हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एचसीएफ, हाउ वी कैन फाइंड आउट एचसीएफ। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज, तो बच्चों एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आप पहले भी इसको सीख चुके हैं। तो फर्स्ट है 18 और 48। तो देखो हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ मींस होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एट फर्स्ट हमको फैक्टर करने पड़ेंगे। देखो फैक्टर है ना, फैक्टर, उसके बाद हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन मतलब जो दोनों में ठीक है कॉमन हो। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर उनके लेने होंगे। तो सबसे पहले हमको फैक्टर करने पड़ेंगे। तो मैं फैक्टर्स ऑफ 18 इसके फैक्टर करूँगा। तो फैक्टर्स वो भी कौन से वाले, प्राइम फैक्टर करूँगा। ठीक है, क्या करूँगा मैं, प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर देखो प्राइम फैक्टर आप कॉपी में किनारे में करोगे ऐसे, 18 लिख दिया यहाँ पे, 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल बता रखे हैं कि किससे कैसे कौन डिवाइड होता है। तो इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से 9 टाइम, ठीक है, 2 9 जा 18। उसके बाद 9 है, अब देखो इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो ऑड से जाएगा 3 से चले जा सकता है इसमें, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। ठीक है, ये इसके फैक्टर आ गए आपके 2 × 3 × 3, ये आगे इसके प्राइम फैक्टर। ठीक है, ऐसे लिखना है, ऐसे ही मैं लिखूंगा फैक्टर्स ऑफ 48। 48 के भी फैक्टर निकालते हैं। देखो यहाँ पर कर लेते हैं इसको 48, 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर, देखो लास्ट इवन 8 है, तो 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, इस टाइप से डिवाइड करना है। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि इवन नंबर है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 4। ठीक है, फिर 2 से 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, फिर 3 से जाएगा क्योंकि, ठीक है। तो इस टाइप से इसके हमने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टर कर दिया। तो प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गया, 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम, ठीक, × 3। अब मैंने क्या कहा यहाँ पर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, फैक्टर मतलब फैक्टर, ये फैक्टर तो हमने कर दिया, अब कॉमन ढूंढने में। ठीक है, तो एच सी एफ क्या होता है, ध्यान देना, एच सी एफ ऑफ 18 एंड 48 ठीक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो दोनों में कॉमन जो है, एक तो ये कॉमन है, ठीक, और 2 ऊपर नहीं है, नहीं तो कॉमन हो जाते, एक 3 कॉमन है, देखो ये वाला 3, बका इस 3 के लिए यहाँ पेयर नहीं बने, तो हमारे हो गए 2 × 3 6। ठीक है, तो इसका एचसीएफ आ गया 6, ये आंसर। ठीक है बच्चों, इस टाइप से आपने करने हैं। तो बच्चों देखते हैं, अगर ये 2 टर्म्स हैं, 2 है तो इतने हो गए, ऐसे करेंगे, अगर 3 टर्म्स हैं हमारे पास तो तीनों में देखेंगे, तो इसका भी हमने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले फैक्टर करेंगे 70 के, तो 70 के फैक्टर क्या होते हैं, देखो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, रखना आपको, आपने भी ये दिखाना है। ठीक है, 70 के फैक्टर कैसे करते हैं, तो 2 से चले जाएगा 35, पॉज कर दें,